का शुभ संदेश, गिव एंड टेक एक अच्छी नीति, यह एक न्याय की नीति है। गिव का मतलब देना, टेक का मतलब लेना। हम लेना और देना बराबर करते हैं तो यह न्यायपूर्ण स्थिति होती है। हम जो है समाज की स्थिति को भी देखिए, समाज से लेते जाता है और देते कुछ नहीं है तो वह असंतुलन है। देखिए हमारी जो सृष्टि है, जिसने हमको जन्म दिया है, जो नेचर माँ है, उससे हम हर क्षण जो है वो हमारे भरण पोषण की चीज है, जो है प्राप्त करते रहते हैं, वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। उसको हर क्षण हम किसी न किसी रूप के अंदर प्राप्त करते रहते हैं। हमारा शरीर भी इन पांच तत्वों का बना हुआ है, हम पोषण भी उसी से करते हैं। तो ये तो टेक वाली बात हो गई। और गिव का जहां तक शब्द आता है कि हमें इसका अनावश्यक दोहन नहीं करना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो आप देख लीजिए कि पृथ्वी को जो है हमने बोध बोध करके, अपने लोभ के वशीभूत होकर के पृथ्वी माँ को जो है छलनी छलनी कर दिया, 10,000 फुट 15,000 फुट गहरा जो छेद करके और उसका दोहन कर दिया, वो करा रही है। जल है वो समस्त प्राणियों के लिए चाहिए, तो हमने जल का कितना दुरुपयोग किया। हमको 5 लीटर पानी चाहिए और हम 50 लीटर खर्च करते हैं, तो ये तो दुरुपयोग हो गया। और इसको कितना गंदा करते हैं हम, फैक्ट्रियों का जो है स्लज डाल करके या जो केमिकल्स डाल करके, वायु को हम कार्बन डाइऑक्साइड स्वयं की छोड़ करके, कारखानों की छोड़ करके और वाहनों की छोड़ के कितना गंदा करते हैं, आकाश को कितना गंदा करते हैं। इसका मतलब हम टेक ज्यादा करते हैं और गिव कम देते हैं। तो अगर टोटेलिटी में हम बात करें तो पृथ्वी के अंदर जो है टेक उतना ही करना चाहिए जितना कि हम गिव, गिव ज्यादा होना चाहिए, टेक कम होना चाहिए। परिवार में भी जो है हमारे सदस्य है तो उनकी सेवा ज्यादा करनी चाहिए, सेवा कम लेनी चाहिए और पैसे का जहाँ तक है वो अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। हम कमाने वाले हैं तो सब में उसको बांट करके दिया जाना चाहिए।